हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक गुडविल का एवरेज सुपर प्रॉफिट से एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल का एक मेथड बचा हुआ था जो था कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको फिर हम लोग करते चलेंगे। चलिए आते हैं अपने लेक्चर पे। फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी के सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी का टेलीग्राम चैनल को आप आज ही ज्वाइन कर ले, उससे सारी नोट्स आपको वहां पे मिल जाया करेंगे। फर्दर अगर कोई क्वेरी रहता है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, चलिए। तो सर आज दो चीज पढ़ेंगे, चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे को। और हाँ, एक और आपके लिए बात है, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप अगर डाउनलोड नहीं करा है, ठीक है, नेट वाला भैया, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके हमारा ऐप को सर्च करेंगे, नेट वाला भैया, नेट वाला भैया ऐप, तो आपको वहां पे ये ऐप मिलेगा, वो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि कोर्सेस पेड बेसिस पे कुछ मतलब माइनर अमाउंट में आपके लॉन्च होंगे। ठीक है, चलो चलो पहले क्वेश्चन लिखता हूं। द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस फर्म इज रुपीज 1 लाख। कितना दिखा रहा है? 1 लाख रुपीज। ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। इसमें अब देखो ध्यान से, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन दोनों पार्टनर्स का फर्म हैज टू पार्टनर्स, राम जी एंड श्याम जी। ठीक है, ध्यान से देखो, इज इंटाइटल्ड सैलरी रुपीज 10,000 ईच, 10,000 रुपए करके सैलरी मिल रहा है। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाते हैं, 30,000, 40,000 एंड 30,000। चलो इसको 36 कर दो। ठीक है, गुडविल लिख देता है, चलो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज, एवरेज नहीं, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेट द
गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ दे रहा हूं, द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस फर्म, एक बिजनेस फर्म का कैपिटल है जहां पे दो पार्टनर्स है, एक राम जी और एक श्याम जी, उनके कैपिटल कितने है 1,00,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, दोनों पार्टनर को सैलरी मिला है कितना 10,000 रुपए का, प्रॉफिट लास्ट 3 सालों का कितना, पहले साल का 30,000, 40,000, 36,000, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस, गुडविल कितने सालों के लिए है 2 ईयर परचेस के लिए है, और लास्ट 3 ईयर का सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है और कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। मेरे को एक बात बताना बच्चे कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो सर 30,000, 40,000, 36,000, तो 30, 40, 70, 70 और 30, 1,06,000, 1,06,000 रुपए, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना हो गया 3 साल के लिए, सॉरी नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल के लिए, तो हो जाएगा आपका 3, 3 जा 9, थोड़ा सा दिक्कत होगा यार काटने में, रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, इसको कर दो 38,000, तो ये हो जाएगा 1,08,000, ठीक है अब कट जाएगा, सॉरी सॉरी बीच क्वेश्चन में, क्वेश्चन एट ए टाइम बनाने से थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है 1,08,000 रुपए आया, अब 36,9 और 36,18, 36,000 रुपए आपका क्या आ गया, तो सर 36,000 रुपए आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है अब एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, क्या क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ था पार्टनर्स का, जी सर, तो सर एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में कितना है, सर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में है 36,000, ठीक है, और माइनस करेंगे क्या जो सैलरी दे रखे है, लेस सैलरी, एक बात बताओ दोनों पार्टनर को कितना दे रखे है 10,000 रुपीज ईच, कितना दे रखे है 10,000 रुपीज ईच, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट, इसको ना 5,000 ईच कर दो, ठीक है इसको यहां पे कर दो, क्योंकि फिर हमारा सुपर प्रॉफिट नहीं निकलेगा, 5,000 कर दो, ठीक है चलो, तो यहां पे 5 into क्या करोगे 5,000 दो पार्टनर को मिलेगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10,000, तो 10,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 26,000 रुपये आ जाएगा, इतना प्रॉफिट आपका हुआ, ठीक है 26,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, ठीक है नेक्स्ट देखो, अब निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, आरओआर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, कितना कैपिटल लगा था मेरे बच्चे 1,00,000 रुपए लगा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला था 10%, तो कितना आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, तो सर 10,000 रुपए आ गया, कितना आ गया 10,000 रुपए आ गया, तो एक बात बताओ नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 होना चाहिए था, लेकिन मेरे को कितना एवरेज प्रॉफिट सैलरी देने के बाद 26,000 रुपए का, तो ये 16,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, तो सर यही तो हमारा क्या बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, एक बार बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना था, तो सर एवरेज प्रॉफिट तो अभी आपने बताया ना 26,000 रुपए था, चलो 26,000 रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था सर 10,000 रुपए, टोटल कितने हैं माइनस करने के बाद, सर 16,000 जो आया ये हो गया मेरा क्या सुपर प्रॉफिट, 16,000 इज माई सुपर प्रॉफिट। अब एक बात बताओ सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है तो सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद अब क्या करेंगे, सर गुडविल तो निकालोगे ना, गुडविल तो निकालना पड़ेगा, चलो अब निकालते हैं हम लोग गुडविल, तो गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला था, मेन चीज तो सर मेरे को गुडविल ही निकालने बोला था,
तो अगर सुपर प्रॉफिट से निकालना होता है तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है, एक बार बताओ सुपर प्रॉफिट कितने का हुआ? सर रुपीज 16,000 का सुपर प्रॉफिट हुआ। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया था क्या? देखते हैं, परचेज फॉर लास्ट थ्री ईयर सुपर प्रॉफिट द प्रॉफिट, हाँ तीन सालों का दिया नंबर ऑफ, नहीं 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 गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट टू ईयर परचेज, कितना बोला है? टू ईयर परचेज का वैल्यूड है, तो जितना ईयर का परचेज बोला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? रुपीज 32,000, 16,000 इंटू 2 32,000 रुपया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये मेथड में पूरे क्लैरिटी आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट का एक और क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता रखा था, क्वेश्चन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चल चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, चलो आज बस इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हम लोग इसका अगले सेशन में बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो थोड़ा सा हायरार्की पे बना के चलेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड जो आप पढ़ोगे इसको हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटते हैं इसको, निकालेंगे एक तो निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन करेंगे एक एवरेज प्रॉफिट से, दूसरा करेंगे सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, एक करेंगे एवरेज प्रॉफिट से और दूसरा करेंगे सुपर प्रॉफिट से। तो सर एक एक करके समझे क्या कि कैसे कैसे बनाएंगे? चलो एक एक करके समझते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले स्टेप वन, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू में अगर बात करें, इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने के लिए आता है, ये तो नया नहीं है आपके लिए। उसके बाद स्टेप थ्री में क्या करोगे, आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होगा देखो ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग एनआरआर भी लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा, स्टेप फोर जो होगा, वहां पे आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे गुडविल। क्या निकालोगे? गुडविल निकालोगे। तो यहां पे कैलकुलेट गुडविल जब करोगे तो क्या फॉर्मूला होगा, ये चीज समझोगे कि जब भी गुडविल निकालोगे तो यहां पे कैपिटलाइजेशन मतलब एवरेज प्रॉफिट से
कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट में से जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकला हो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकला होगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझाते हैं, ठीक है, तब जाकर के आपका निकलेगा क्या, गुडविल निकलेगा। देखो एक बात समझो, फिर से फॉर्मूला को अच्छे से समझो, क्योंकि मेन है फॉर्मूला। दो मेथड से निकाल सकते हैं इसको, एक कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं, एक कैपिटलाइजेशन हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो आगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। अब देखो कि दो अलग अलग मेथड है, तो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि बिजनेस में मेरा कितना कैपिटल लगा हुआ है। ब्रैकेट में नेट एसेट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कितना मेरा पैसा लगा हुआ है, पैसा भी तो मेरा काइंड ऑफ एसेट्स है, हो सकता है कोई मशीनरी लगा हुआ होगा, तो मेरा एक्चुअल कैपिटल कितना बिजनेस में लगा हुआ, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, और थर्ड स्टेप है जब एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे तब आप निकालोगे क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी 10% 20% दिया रहेगा उसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। मतलब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज, मतलब 10% आपका दिया हुआ है उससे आपको किसमें कन्वर्ट करना है 100% में, 15% दिया है उससे आपको किसमें कन्वर्ट करना है 100% में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब ये निकाल लोगे तो आपको निकालना है गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, अब जो आप जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप निकाले थे और जो थर्ड स्टेप निकाले थे, तो वो फर्स्ट और थर्ड स्टेप को माइनस करना, मतलब कि कैपिटल एवरेज प्रॉफिट आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मान के चलो आपका हुआ है 5 लाख रुपया, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना हुआ है 4 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया आपका जो माइनस करने के बाद जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल जो हम लोग बात कर सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन इसका कर ले क्या, चलो एक छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को कर देंगे, वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एक एग्जांपल के तौर पे देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना दिया हुआ है, ₹10,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ऑफ फर्म कितना दिया हुआ है, मान के चलो कि ₹50,000, ठीक है। एंड 10% बोला है इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, ठीक है। उसके बाद बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से यहाँ पे निकालना है हमको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो स्टेप वन था, स्टेप वन क्या था, तो सर स्टेप वन था कि हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस में, तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देते हैं पहले। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस में, तो सर 60,000 रुपया है कि 50,000 रुपया है, तो सर एक्चुअल कैपिटल कितना लगा है बिजनेस में, 50,000 रुपए, ठीक है। तो सर एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, हाँ 10,000 रुपए निकाल के दिया हुआ, निकालने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, ये हमको पता है क्या, जी सर ये हमको पता है क्या, जी सर। तो हम क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, चलो निकालते हैं क्या, डायरेक्ट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ठीक है। एक बार बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे यहाँ पे, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, तो सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, और इधर कितना, एक मिनट रुक जाओ, मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 से, तो सर कितना हो जाएगा हमारा, तो सर हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा ₹1,00,000, कितना हो गया 1,00,000 हो गया, ठीक है। एक बात बताओ कैपिटलाइज्ड वैल्यू 1,00,000 रुपया है, ठीक है, और बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है 50,000 रुपया। दैट मींस कि हमारा बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमको पता है ना कितना लगा हुआ बिजनेस में पैसा, जी सर पता है। तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए क्या करना होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना था,
कैपिटलाइज लिख देते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस, माइनस क्या करना है बोलो सर, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है मेरा, तो सर 1,00,000 है, कितना निकला है। अब बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है सर, 50,000 लगा हुआ है, चलो माइनस कर दो, गुडविल कितना आ गया रुपीज 50,000, और ये हो गया आपका सर, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, इसको और भी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे अगले सेशन में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जहां पे हम लोगों ने एक सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन करा, उसके अलावा हम लोगों ने क्या करा कि सर एक क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब हम लोग कैपिटलाइजेशन वैल्यू में एवरेज प्रॉफिट से कैसे कैपिटलाइज करते हैं उस चीज को सीखा, और सीखने के बाद एक उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने करा। तो ये बहुत होता है आज के लिए, और मिलते हैं फिर से हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा करके। कल ही जैक बोर्ड का रिजल्ट आया, बच्चों ने काफी अच्छे प्रदर्शन किए, ठीक है। तो आई होप कि आपके भी कोई सीनियर होंगे या कोई बच्चे जिन्होंने पिछले साल जो आपके लोन में होंगे उन्होंने भी अच्छा रिजल्ट करा होगा, चलिए इसलिए आप भी उससे मोटिवेट होके पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपका भी रिजल्ट अच्छा होगा, तो आपको भी रिजल्ट दिखने में आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं अगले सेशन में।